दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, ग्रेजुएट लड़कियों को नए साल का तोहफा, अब प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेंगे 50,000 रुपए, शिक्षा विभाग ने दिया आदेश। जी हां, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान और मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक पास 2,00,000 से अधिक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 2021-22 में स्नातक पास छात्रा को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक स्नातक पास छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इसको लेकर बिहार शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालय को निर्देश दिए हैं। साथ ही इस साल के अंत तक लंबित आवेदन को सत्यापन करने का अल्टीमेटम दिया है। अगली बड़ी खबर, आयुष्मान भारत कार्ड से बिहार में अब किडनी ट्रांसप्लांट भी, कोरोना व एएस का इलाज भी करा सके। आयुष्मान भारत कार्ड से अब किडनी ट्रांसप्लांट भी हो सकेगा। बिहार में पहली बार कार्ड में यह पैकेज जोड़ा गया है। अब तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे दूसरे राज्यों में आयुष्मान भारत कार्ड से किडनी ट्रांसप्लांट की राशि का भुगतान होता था। आयुष्मान भारत के निदेशक डॉक्टर अरशद ने बताया कि बिहार में भी अब आयुष्मान भारत कार्ड से किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। अभी पटना के IGIMS में इसकी सुविधा शुरू हुई है। बाकी जिस अस्पताल में यह सुविधा दी जाएगी वहां भी मरीज अपना इलाज करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आयुष्मान भारत कार्ड से पैकेज में 1,90,000 रुपए की राशि तय की गई। इलाज के अलावा आईसीयू में रहने का खर्च भी अब आयुष्मान भारत कार्ड से मरीज दे सकेंगे। कार्ड से इलाज के तहत अब तक यह सुविधा नहीं दी गई थी। अब अगर कोई दुर्घटना में घायल हो जाता है और उसकी हेड या स्पाइनल इंजरी होती है तो ऑपरेशन होने तक आईसीयू में रखने का खर्च कार्ड से भुगतान किया जा सकेगा। वेंटिलेटर में रखने के लिए 4,500 रुपए रोज के हिसाब से राशि अस्पताल को दी जाएगी। इस योजना का नाम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हेड एंड स्पाइनल इंजरी दिया गया है। अगली बड़ी खबर, केंद्र ने राज्यों से कहा ओमिक्रॉन को रोकने के लिए वॉर रूम एक्टिव करें, जरूरत हो तो नाइट कर्फ्यू लगाएं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्र ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तक तेजी से फैलता है, इस वजह से जरूरी उपाय अपनाना शुरू कर दें। मंगलवार शाम राज्यों को लिखे गए लेटर में कहा गया है कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वॉर रूम एक्टिव कर देना चाहिए। ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों वेरिएंट अब भी देश भर में मौजूद है, इसीलिए लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्यादा दूरदर्शिता दिखाने और तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। बता दें कि यह लेटर हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण की ओर से भेजा गया है। इसमें डेटा एनालिसिस पर जोर देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने सीमा में आने वाले पहले ही संक्रमण को रोकने के उपाय को करने के लिए कहा गया है। लेटर में कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं। इनमें जरूरत होने पर नाइट कर्फ्यू, भीड़ जुटाने पर रोक, ऑफिस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी पाबंदियों का जिक्र है। हॉस्पिटल में बेड, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन इक्विपमेंट और दवाओं के लिए इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया गया है। बड़ी खबर, पीएचसी में सुविधाएं बढ़ाने पर खर्च होंगे 1200 करोड़, वाल्मीकि नगर में बिहार कैबिनेट बैठक, 13 फैसलों पर लगी मुहर। वाल्मीकि नगर में बिहार कैबिनेट की मंगलवार को हुई पहली बैठक में 13 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने पर बल दिया गया। उत्क्रमित प्लस टू स्कूलों की आधारभूत संरचना के लिए 800 करोड़ की मंजूरी दी गई है। साथ ही अगले 5 वर्ष में शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वेलनेस सेंटर और डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1214 करोड़ रुपए खर्च करने को हरी झंडी दे दी गई है। साथ ही कैबिनेट ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाए गए 40,76,00,000 रुपए की योजना को हरी झंडी दी है। इसके तहत मत्स्य पालन के लिए जरूरी आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात पर लगे प्रतिबंध में हुए संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। राज्य के सभी जिलों में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के 520 स्कूलों के संचालन और भवन निर्माण के लिए 37,79,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
अगली बड़ी खबर, ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले जीताराम मांझी की बड़ी मुश्किलें, मुकदमा दर्ज, 23 को सुनवाई। पूर्व सीएम जीताराम मांझी के विरुद्ध जाति विशेष के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने व सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए सीजीएम कोर्ट में मुकदमा किया गया है। इसकी सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। स्थानीय व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश पांडे ने यह मुकदमा किया है। वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा गयाजी धाम बिहार के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय नाथ गोपाल उर्फ मृत्युंजय गोपाल पांडे ने मंगलवार को बयान जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी के बयान की निंदा की है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता गजेंद्र झा पर गिरी गाज, बीजेपी ने पार्टी से किया निष्कासित, 15 दिनों के अंदर मांगा जवाब। जी हां, बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य व अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के महासचिव गजेंद्र झा पर पार्टी ने कार्रवाई की है। गजेंद्र झा को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया गया है। मधुबनी जिला अध्यक्ष शंकर झा ने गजेंद्र झा से 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी के द्वारा ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी के बाद मधुबनी के भाजपा नेता गजेंद्र झा के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री के जुबान काट कर लाने वालों को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने गजेंद्र झा पर कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार ने किया नौका बिहार को उद्घाटन, कहा पर्यटकों को देगा अद्भुत आनंद। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को त्रिवेणी नहर में नौका बिहार का उद्घाटन किया। नहर में नौका बिहार वाल्मीकि नगर में पर्यटन को नया आयाम देगा। 1960 से मृत पड़े 1.6 किलोमीटर लंबी इस नहर से 100 टन से अधिक कचरा निकाल कर इसमें नौका बिहार की शुरुआत की गई है। सीएम ने कहा कि यहां नौका बिहार पर्यटकों को अद्भुत आनंद देगा। निर्देश इसके निरंतर विकास और पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर सुविधाएं भी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने करीब 1.25 किमी तक नौका बिहार का आनंद लिया। अगली बड़ी खबर, 14 दिसंबर को स्थगित हुई बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा काउंसलिंग की नई डेट जारी। जी हां, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 14 दिसंबर को स्थगित हुई बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा काउंसलिंग की नई डेट जारी कर दी है। बीएसएससी ने नए नोटिस में कहा कि स्थगित हुई अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 25 दिसंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। 25 दिसंबर को होने वाले काउंसलिंग का कार्यक्रम बीएसएससी की वेबसाइट www.bssc.bihar.nic.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। अगली बड़ी खबर, अब मुजफ्फरपुर स्टेशन पर भी मिलेगी निशुल्क वाईफाई की सुविधा। बिहार के प्रमुख स्टेशन समेत 405 स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा। जी हां, भारतीय रेल डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कई रेलवे स्टेशन पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्टिविटी के माध्यम से यात्रियों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। इसी क्रम में यात्रियों की सुविधा हेतु पूर्व मध्य रेल के स्टेशनों पर निःशुल्क वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बड़ी खबर, कोल्ड वेव की चपेट में गया, तापमान 4.1 डिग्री पहुंचा, जिला प्रशासन ने स्कूलों को दिया निर्देश, अब 9 बजे से पहले नहीं चलेगी कक्षाएं। जी हां, गया में गिरते तापमान और विशेष रूप से सुबह के समय अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल में पठन पाठन की समय सीमा तय किया है। डीएम अभिषेक सिंह द्वारा ठंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 21 दिसंबर 2021 से अगले आदेश तक जिले के सभी विद्यालयों में सुबह 9 बजे से पहले व अपराह्न 3:30 बजे के बाद सभी स्कूलों के कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों की शाम गया का तापमान 4.1 डिग्री आका गया। हालांकि दोपहर में धूप निकलने की वजह से लोगों को कुछ हद तक राहत मिल रही है, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद से ठंड लोगों को कपाने लग रहा है। बड़ी खबर, बिहार में अब मुखिया जी को मिलेगी सुरक्षा, जानलेवा हमलों के बाद पंचायती राज विभाग हरकत में आया। जी हां, पंचायत चुनाव के बाद बिहार में हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है। चुनाव जीतने वाले कई मुखिया ऐसे हैं जिनकी हत्या हो चुकी है, लेकिन अब मुखिया जी की सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित हो गई है। पंचायती राज विभाग ने मुखिया जी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग को पत्र लिखा है।
विभागीय मंत्री सम्राट चौधरी इस मामले को लेकर खासे गंभीर है। पंचायती राज विभाग की तरफ से गृह विभाग को जो पत्र लिखा गया उसमें कहा गया कि नव निर्वाचित प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। मंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि चुनाव समाप्त होने के बाद नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों पर हिंसक हमले की खबरें लगातार सामने आ रही है, ऐसे में हमें इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, बिहार इंटर परीक्षा 2022 में 50% सवाल ऑब्जेक्टिव गणित समेत अन्य पेपर से जुड़ी जाने खास जानकारी। जी हाँ, बिहार इंटर परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दिया है। परीक्षार्थी बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र देख सकते हैं। इस बार बिहार इंटर एग्जाम 2022 में 50% वस्तुनिष्ठ होंगे, जबकि अन्य 50% भाग में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। गणित के पेपर में इस साल 2 अंकों के 30 सवाल पूछे जाएंगे। अगली बड़ी खबर, आधार लिंक किए जाएंगे वोटर कार्ड। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ चुनाव सुधार विधेयक। जी हां, सोमवार को लोकसभा से पारित हुए चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 को कल राज्यसभा से भी ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। नए प्रावधानों के मुताबिक अब आधार और वोटर आईडी लिंक होने से चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों को अब आधार कार्ड मांगने का अधिकार होगा। एक बार टेक्नीशियन के 641 पदों पर भर्ती, बड़े वैकेंसी से जुड़े डिटेल। जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार IARI की आधिकारिक वेबसाइट IARI.RAC.IN के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2022 तक है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 641 पदों को भरा जाएगा। खास बात यह है कि इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई। आज के लिए आपका सवाल बताया कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार बिहार में अभी नाइट कर्फ्यू लगानी चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।